हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेथी दाना के फायदे। तो मेथी दाना हम मसाले के रूप में उपयोग करते हैं, हर घर में लगभग मेथी दाना का उपयोग है वो किया जाता है। दाना मेथी पानी में उबालकर उसका पानी हल्का गर्म रहने पर पानी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है और इसको हम पी सकते हैं। साथ ही साथ भीगे उबले हुए मेथी के दानों को अगर खाया जाए तो मेथी में टस नामक तत्व होता है जो गुणों में मछली के तेल के समान होता है, और मेथी में लेसिथिन तत्व होता है जो मस्तिष्क की कमजोरी को दूर करता है। मेथी के बहुत सारे फायदे और लाभ हैं। यहाँ पर हम कुछ जो महत्वपूर्ण लाभ हैं उनकी चर्चा कर रहे हैं। रोजाना सुबह के वक्त भूखे पेट यानी खाली पेट मेथी के दाने चबाने से मोटापा कम होता है। महिलाओं के लिए मेथी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, तो महिलाओं को मेथी का सेवन जरूर करना चाहिए। मेथी खाने से महिलाओं के स्तनों में दूध की वृद्धि होती है। मेथी खाने से महिलाओं के स्तनों की चौड़ाई भी बढ़ती है और वे आकर्षक बनते हैं। साथ ही साथ मेथी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने में सहायक होती है। कई शोधों में ये पाया गया है कि मेथी के सेवन से दिल की बीमारियों में राहत मिलती है। मेथी को रोजाना उपयोग करने से आपके हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा घट जाती है। मेथी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि डायबिटीज़ को ख़त्म करने में बहुत ही मददगार होते हैं। मेथी के सेवन से प्रसव में होने वाली समस्याओं से छुटकारा मिलता है और हमारा जो बच्चा है वो स्वस्थ पैदा होता है। मेथी के सेवन से त्वचा में सुंदरता और चेहरे पर जो है झुर्रियाँ और फुंसियाँ नहीं होती हैं। एक शोध के अनुसार मेथी खाने से बालों से जुड़ी हुई समस्याओं में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। बुढ़ापे में होने वाले जो दर्द हैं, जैसे घुटनों का दर्द, इन सभी प्रकार के कमर दर्द या घुटनों का दर्द, उसमें मेथी का बहुत ज़्यादा फायदा रहता है। दाना मेथी भूनकर पीसकर सुबह शाम आप आधा आधा चम्मच ले सकते हैं। स्तन कैंसर के लिए भी मेथी बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है। पत्ती वाली मेथी की सब्जी ज्वर, त्वचा रोग और मधुमेह, इसके अलावा अल्सर में बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य करती है, बहुत ज़्यादा लाभ भी देती है। यकृत से जुड़े हुए विकारों से छुटकारा पाने के लिए अंकुरित मेथी को नाश्ते के साथ जरूर खाएं, जिससे आपका जो लीवर है वो बहुत ही अच्छी तरह से काम करेगा। मासिक धर्म के स्राव से जो कमजोरी आती है, यानी हमारे शरीर में इस प्रकार की जो समस्याएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभ मेथी देती है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लाभ हैं मेथी के। चोट लगने पर गेहूं का आटा और पिसी हुई मेथी को आप एक साथ मिलाकर उसका लेप कर सकते हैं। अगर आपकी सूंघने की शक्ति कम है तो सूंघने की शक्ति बढ़ा सकते हैं, आप मेथी का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको मेथी को बार बार सूंघना होगा, और मेथी की अगर आप सब्जी खाते हैं तो आपकी सूंघने की जो शक्ति है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा मेथी है वो सौंदर्य वर्धक भी होती है। मेथी के पत्ते पीसकर बालों की जड़ों में आधे घंटे तक लगाएं, उसके बाद आप धो सकते हैं। आप मेथी का लेप अपने चेहरे पर भी लगा सकते हैं। मेथी का यूज़ करने से बाल सुंदर, मुलायम और काले रंग के होंगे, साथ ही चेहरा सुंदर बना रहेगा। मधुमेह के मरीजों के लिए मेथी बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। मेथी के बीज दाना मेथी से भिन्न बहुत छोटे होते हैं, जो बीजों की दुकान पर आपको मिल जाते हैं। एक कप पानी में एक कप चम्मच मेथी के बीज भिगोकर सुबह पानी छानकर बीज अलग कर लीजिए और उनको पीसकर उसी पानी में घोलकर रोजाना एक बार जरूर पिए। कमर का दर्द दूर करने के लिए भी मेथी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। हरे पत्ते वाली जो मेथी है उसको और उड़द की दाल की सब्जी, इन दोनों की सब्जी अगर आप रोजाना खाते हैं तो आपको कमर की मांसपेशियों का जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा। इसके अलावा पेशाब की रुकावट, जोड़ों का दर्द, पेट में गैस, पेट दर्द, भूख कम लगना, अरुचि, दस्त, सूजन, इन सब में मेथी की सब्जी खाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मेथी को उबालकर उसका पानी पीने से शरीर की गंध, श्वास रोग, बुखार और पेट के रोगों में बहुत ज़्यादा लाभ होता है। मेथी के उबले पानी में कुल्ले या गरारे करने से गले का जो दर्द है या गले के जो छाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होता है। इसके अलावा गैस, अपच, पेट दर्द, दस्त
या भूख नहीं लगना आदि इस प्रकार की जो रोग हैं उसमें भी मेथी बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। अगर आपका जो कान के पास अगर आपके सूजन है कहीं भी किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए भी आप मेथी का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सर्दी जुखाम को दूर करने के लिए भी हम मेथी का उपयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने चर्चा करी मेथी के कुछ गुण और फायदों के बारे में। वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।